आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साथ एक से दो लोगों का या तीन से चार लोगों का जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं हम, वो आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं मैं। जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डाउट था, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि एक साथ एक से दो लोगों का टिकट हम ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और अगर आप भी बुक कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन एक से दो लोगों का या दो से तीन लोगों का या एक लोगों का जो टिकट है वो ऑनलाइन ही बुक कर पाएंगे कंफर्म टिकेटी ऐप से। ये प्रोसेस हालांकि सभी ऐप्स में है, तो आप किसी भी ऐप से करते हो आप लोगों को इसी प्रोसेस को अपनाना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कंफर्म टिकेटी का ऐप जो है आपके सामने आ जाएगा। उसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करके आप लोगों को ओपन करना है उसे। तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को वो स्टेशन का नाम डालना है जो आपका नियरेस्ट स्टेशन है, जहाँ से आप ट्रेन चढ़ने वाले हैं, जहाँ से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपका जो नियरेस्ट या कहें पास का जो रेलवे स्टेशन है वहीं से आप चढ़ेंगे, तो उसी का नेम आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मैं अपना अगर नियरेस्ट स्टेशन डालूँ, उसका नेम डालूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। देखिए ये है हमारा आ गया, तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दूसरा स्टेशन का नेम डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पे आप क्लिक करेंगे और वो स्टेशन डालेंगे जहां पर आप लोगों को जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को, लेट्स सपोज कि आप लोगों को बिलासपुर जाना है, ठीक है, अपने नियरेस्ट स्टेशन से आप लोगों को बिलासपुर जाना है, ठीक है। तो बिलासपुर आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहां पे, या फिर आप लोगों को और कहीं भी जाना है, ठीक है, तो उसका नाम आप लोग डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे, ठीक है। जहां भी जाना है आपको, उसके नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन होता है ना, जहां भी आप जाते हैं उसका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन होता है जहां आप लोगों को उतरना होता है वो यहां पे आ जाता है, उसको आप लोगों को बस सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पे हम बिलासपुर जंक्शन यहां पे हम टाइप कर लेंगे, या फिर हमने यहां पे सर्च कर रखा था तो हमारे पास ऑप्शन था, आप लोग यहां पे जस्ट टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं टाइप करके, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो बिलासपुर रोड है एक, और एक है बिलासपुर जंक्शन, तो ठीक है यहाँ पे दो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिलासपुर जंक्शन में हम उतरेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं वो स्टेशन हमने चूज कर लिया, जहाँ हम उतरने वाले हैं वो स्टेशन हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप लोगों को डेट, आप लोग अगर आज का ही बुक करना चाहते हो, आज ही आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो आज का आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहीं पे आप लोगों को क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए आज अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, आज रात की ट्रेन है, तो आप लोग जो है इसी डेट को सिलेक्ट करने देना। अगर आप एक कल करना चाहते हो तो कल का डेट सिलेक्ट कर लेना, अगर आप परसों करना चाहते हो तो परसों का सिलेक्ट कर लेना, या फिर आप जो है ना नेक्स्ट मंथ के किसी और डेट पे ट्रैवल करना चाहते हो सिंपली उसी डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस डेट के ऊपर आप जो है ट्रैवल करने वाले हो उसके ऊपर सिंपली आप लोगों को टिक कर देना है। मान लीजिए हम जो है ना जून 4 को हम जो है ना यहाँ पे ये ट्रैवल करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ट्यूसडे है, और यहाँ पे 4 जून को हम ये ट्रैवल करने वाले हैं, हम मान लीजिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है डेट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अगर टुडे का करना चाहते हो टुडे पे सिलेक्ट कर सकते हो, टुमारो का डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, हालांकि इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर लिया कीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक कैंसिलेशन फी को लेकर एक जो है यहाँ पे टिक लगवाया जाता है, जो आप लोगों को नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी ये टिक आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सर्च ट्रेन के बटन पे क्लिक करना है, सर्च रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी स्टेशन इस रूट में है, जो भी आपने रूट सिलेक्ट किया है, जैसे कि कोतमा टू बिलासपुर का हमने सिलेक्ट किया है, तो जो भी ट्रेन्स इस रूट पे चलती हैं वो दोनों ट्रेन्स या फिर जितने भी ट्रेन्स हैं वो सारी के सारी ट्रेन्स यहाँ पे आ जाएंगी। हमारे केस में केवल दो ही ट्रेन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है यहाँ पे अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस, दूसरा है चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेम, यहाँ पे ट्रेन का नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और कितने सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्लीपर में कितने हैं, यहाँ पे स्लीपर में आप लोग देख सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे थर्ड एसी में, यहाँ पे थर्ड एसी में, और यहाँ पे अगर आप जो है कुछ इस प्रकार से अगर आप जो है ट्रैक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस पर आप यहाँ पे देख पा रहोगे क्लिक टू रिफ्रेश का एक बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो है स्लीपर पे करके देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्लीपर पे हम
ये जो ट्रेन है यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग देखने को मिल रहा है कि ये जो ट्रेन है आप लोगों का छूटने वाला है 1:25 आप लोगों के बोर्डिंग स्टेशन से, और आप लोगों को ये छोड़ने वाला है आपके जो आपका स्टेशन है जहाँ आप उतरने वाले हो वो 6:35 में, ठीक है। और ये वाला ट्रेन का टाइम भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को 11:45 में ये आप लोगों को मिलेगा और 4:30 आपको ये छोड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रेन का टाइमिंग आप देख सकते हो। अवेलेबल सीट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट वाले ट्रेन में 51 है और दूसरे वाले ट्रेन में यहाँ पे जो है 95 है, ठीक है। तो जिसमें भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, नीचे वाले में हम करेंगे बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे वाले में जो अवेलेबल 95 है यहीं पे हम टिक कर देंगे, ठीक है, यहीं पे हम क्लिक कर देंगे। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्लीपर है और थर्ड एसी का यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाता है। अभी जो है ये स्लीपर पे सिलेक्टेड है, अवेलेबल है 91 सीट्स, और इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पे करना पड़ेगा 145 रुपीज़। बुक करने के लिए आप लोगों को इसी पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों के सामने जो है कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से लॉगिन है तो यहाँ पे आप लोगों को IRCTC अकाउंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा वाला, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हो इसे तो एडिट के बटन पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन का नेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ट्रेन आप लोगों को बोर्डिंग स्टेशन पर कितने बजे मिलेगी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्टेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अभी भी आप यहाँ से चेंज स्टेशन पर क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल आप लोगों को डालना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मेल फीमेल आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी आपका जेंडर आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम डालना है उस पैसेंजर का, फर्स्ट वाले पैसेंजर का, ठीक है। यहाँ पे हम मान लीजिए 3 यात्री जो हैं यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, 3 लोग हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं, तो तीनों का एक साथ ही हम जो है यहाँ पे बुकिंग करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम जो है ना फर्स्ट बंदे का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसका एज लिखेंगे, और उसको कौन सा यहाँ पे प्रेफरेंस चाहिए मतलब यहाँ पे बर्थ सिलेक्ट करना है, जैसे कि लोअर बर्थ हो गया, मिडिल हो गया, अपर हो गया, साइड लोअर और साइड अपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम जो है 3 लोग सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे लोअर बर्थ ले लेंगे, फिर हम मिडिल, उसके बाद अपर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इंडियन नेशनैलिटी वही रहने देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सेव का बटन जो है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैसेंजर का जो नेम है और जेंडर है और एज है और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप ये फर्स्ट है, #1 लगा हुआ है। इसके बाद आप लोगों को सिंपली इसे सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया हमने। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोगों को जो है ना 1 से ज़्यादा बंदों को ट्रैवल करना है, फिर आप क्या करोगे, यहीं पे आके आप रुक जाते हो। अब फर्स्ट पर्सन का तो हमने सेव कर दिया डिटेल, ठीक है। अब सेकंड पर्सन को कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है ऐड एडल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ऐड चिल्ड्रन का। तो हम यहाँ पे चाइल्ड तो यहाँ पे हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि चाइल्ड हमारे साथ जो नहीं जा रहा है, बच्चा कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। अगर बच्चा कोई ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे आप जो है चिल्ड्रन का यहाँ पे ऐड चिल्ड्रन के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके साथ एक और एडल्ट या फिर 2 एडल्ट या फिर जितने भी एडल्ट आप लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को ऐड एडल्ट के बटन पे क्लिक करना है इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड एडल्ट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो #2 आ चुका है। यहाँ पे जो दूसरा बंदा जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है ना, उसका नेम, उसका जेंडर और उसका एज आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका नेम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम उसका एज लिख देते हैं, और यहाँ पे जो भी उसको बर्थ चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, मिडिल बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे। इसके बाद हम सिंपली सेव कर दें, ठीक है। 2 बंदे जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा बंदा भी हमारे साथ ट्रैवल करने वाला है, तो यहाँ पे हम ऐड एडल्ट के बटन पे फिर से क्लिक करेंगे। एक बार यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, तो फिर से हम जो भी आपका जेंडर है, जो भी थर्ड या थर्ड पर्सन का जो जेंडर है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। उसका नेम यहाँ पे डालना है, उसका एज डालना है, और यहाँ से बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, या फिर सीट नंबर जो भी आपका सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिंपली सेव कर देना है। तो दोस्तों हमने 3 लोगों का नेम जो है यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो, जो हम लोग 3 ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों को बस बताने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। हालांकि हम ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों का डिमांड था तो आप लोगों को मैं 3 बंदों को यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया हूँ। और बंदे अगर आप लोगों के साथ जो है ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐड एडल्ट के बटन पे आप क्लिक करके उन्हें भी ऐड कर सकते हो। चिल्ड्रन करना है तो चिल्ड्रन
ऐड चिल्ड्रन के बटन पर क्लिक करके चिल्ड्रंस को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इस प्रकार से आप लोगों को ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो नो प्रेफरेंस का ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है, तो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। इसमें आप लोग जो है तीनों बंदों में से किसी एक का एक कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे देना है यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे देना है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आप लोगों को जो ये ई टिकट होता है ना ये सेंड किया जाता है, ठीक है, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जीएसटी वगैरह का जो बेनिफिट्स हैं ये सब टिक लगाने का जो भी ऑप्शन दिया गया है ना यहाँ पे, इन सभी पे अनटिक रहने देना है, कभी भी इनमें टिक नहीं करना है, अदरवाइज आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अनटिक कर देना है आप लोगों को, इसे अनटिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने अनटिक कर दिया, अब प्रोसीड पेमेंट के बटन पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक टाइमर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, ये बेसिकली 10 मिनट का टाइमिंग होता है। इसके अंदर आप लोगों को जो है ये पेमेंट करना होता है। ये जो आप लोगों का पेमेंट है 473 रुपए का है, ये पेमेंट किस किस चीज़ का जुड़ा है और कैसे इतना पेमेंट आप लोगों को पे करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन बंदे आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो तीनों बंदों का जो है ना अलग अलग टिकट का जो चार्ज है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टिकट फेयर है, जो टिकट का किराया है, वो आप लोगों को लग रहा है 435 रुपए। कन्वीनियंस फी यहाँ पे 17.7 यहाँ पे लिया जा रहा है, और एजेंट सर्विस चार्ज जो है आप लोगों से 20 रुपए लिया जा रहा है, 19.99 रुपीस यहाँ पे लिया जा रहा है, और टोटल जो है ना ग्रैंड टोटल 473 रुपए आप लोगों को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये पे करना है, पे करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे फोन पे, गूगल पे और अदर UPI, और नीचे यहाँ पे आप लोगों को अमेजोन पे और पेटीएम का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है ना एक टिक लगाने का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, देखिए इस पर टिक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप जो है इस टिकट को कैंसिल नहीं करोगे, आपको जाना ही है उस डेट को, अगर आपको आप 100% कंफर्म हो तो आप इस पर टिक नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मैं जो है इस टिकट को कैंसिल कर सकता हूँ, तो आप लोगों को इस पर टिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है गेट फुल रिफंड ऑन योर टिकट कैंसिलेशन। अगर आप टिकट को कैंसिल कर देते हो तो आपको जो है फुल रिफंड मिलेगा, ये जो अमाउंट है जो आप पे करोगे ये फुल रिफंड आपको कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी आप लोगों को जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो आपको नहीं कट किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को जो है कुछ पैसे यहाँ पे करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टिक करके। जैसे ही आप टिक करेंगे ना, तो आप लोगों का अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अमाउंट जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अलग से आप लोगों को जीरो कैंसलेशन जो चार्जेस है ना, ये आप लोगों को 150 रुपए देना पड़ रहा है, मतलब पर पर्सन आप लोगों को 50 रुपीज जो है यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप लोगों को अगर आप कैंसिल कर सकते हो ना इन फ्यूचर, तो आप लोगों को टिक करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनटिक कर देंगे इसे। देखिए यहाँ पे A to Z मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया हूँ, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप लोगों को सिंपली दोस्तों फोन पे से, गूगल पे से, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हो, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट कर देना है। हमने यहाँ पे फोन पे क्लिक किया है, देखिए ये रीडायरेक्ट हो रहा है फोन पे पे। यहाँ पे ना आप लोगों के सामने आप देख पा रहे होंगे कि कंफर्म TKT ऑनलाइन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 473 रुपए का रिक्वेस्ट आ चुका है फोन पे पे, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक करके जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे केस में यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। पेमेंट आप जैसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा फिर से कंफर्म TKT के एप्लीकेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल, प्लीज़ वेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब जैसे ही आप वेट करेंगे थोड़ी देर, तो आप लोगों को यहाँ पे आपका IRCTC का पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर आप भूल गए हैं IRCTC ID का पासवर्ड, तो आप जो है फॉरगेट पासवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो कैप्चा दिया गया है, इसे आप कैप्चा वाले बॉक्स में इंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सारे डिटेल भर लेने के बाद, पासवर्ड और कैप्चा भर लेने के बाद, आप भर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे डिटेल भर दिया है, और यहाँ पे कंफर्म होने के लिए थोड़ा सा वेट करना है हमें। जैसे ही ये आप लोगों का पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका टिकट है ये कंफर्म हो जाएगा। पेमेंट तो आपने ऑलरेडी कर दिया है। इस प्रकार से आप लोगों का जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है कंफर्म TKT एप्लीकेशन से आप इस तरीके से अपना जो एक सीट है ट्रेन की वो बुक कर सकते हो। सो अब दोस्तों आप देख सकते हो इस पेज में आप लोगों को बुक्ड देखने को मिल रहा है सबसे ऊपर में।
डाउनलोड टिकट का ऑप्शन आ चुका है, आप इस पर क्लिक करके अपना टिकट भी डाउनलोड कर सकते हो। टिकट डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोगों को 2 से 3 लोगों का टिकट आराम से बुक करना है ऑनलाइन ही। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर से करना है।